दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं दोस्तों आप अपने फेसबुक लाइट का अगर आप नेम चेंज करने के लिए, यानी कि दोस्तों जो भी आपका फेसबुक लाइट में जो आपका नेम है उस नेम को अगर आप चाहते हैं दोस्तों चेंज करने के लिए, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप इधर बहुत आसानी तरीके से आप अपने फेसबुक लाइट का आप नेम चेंज कर सकते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहले बढ़ाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे दोस्तों ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आ जाना होगा प्ले स्टोर में, देन उसके बाद सर्च बार में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको इधर फेसबुक लाइट लिखकर सर्च कर देना होगा। अब दोस्तों आप जैसे ही इधर फेसबुक लाइट लिखकर सर्च करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है फेसबुक लाइट एप्लीकेशन। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इधर से चेक कर लेना है फेसबुक लाइट का अपडेट प्ले स्टोर से, अगर अपडेट आए तो आपको अपडेट कर लेना है। अगर आप दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि अगर फेसबुक लाइट एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से अपडेट आए एंड अगर आप अपडेट ना करते हैं तो क्या पता दोस्तों जो आपका फेसबुक लाइट में जो आपका नेम है वो चेंज ना हो। इससे दोस्तों ये होगा कि जो भी इसमें न्यू फीचर आया होगा वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद सिंपल आपको ओपन कर लेना होगा। जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब अगर आप चाहते हैं दोस्तों आप अपने फेसबुक लाइट में अगर आप अपने नेम को चेंज करने के लिए, यानी कि दोस्तों जो भी आपका फेसबुक लाइट एप्लीकेशन में नेम है एंड अब अगर आप चाहते हैं उस नेम को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए सिंपल आपको ऊपर सर में 3 डॉट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपल आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा। देन जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उस अकाउंट को आपको इधर से स्विच कर लेना है जिस भी अकाउंट का दोस्तों आप नेम चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपके पास मल्टीपल्स अकाउंट है तो आप इस पर क्लिक करके आप उस अकाउंट को आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों आपको करना होगा कुछ स्क्रॉल। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं सेटिंग एस प्राइवेसी, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि सेटिंग्स, तो सिंपल आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है प्रोफाइल सेटिंग्स, तो सिंपल आपको प्रोफाइल सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। देन जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों जो भी आपका प्रोफाइल नेम होगा इधर आपको शो करने को देखने को मिल जाता है। अब सिंपल आपको प्रोफाइल नेम पर क्लिक कर देना होगा। जैसे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है जैसे कि भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जो भी आपका प्रोफाइल नेम होगा, यानी कि जो आपका पहले वाला नेम होगा, इधर आपको शो करने को देखने को मिल जाता है। अब अगर आप चाहते हैं उस नेम को अगर आप चेंज करने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको रीड कर लेना है जैसे कि भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको इसे रीड कर लेना है जैसे कि भी आप देख सकते हैं। प्लीज नोट, आई एफ यू चेंज योर नेम ऑन फेसबुक यू कैंट चेंज इट अगेन फॉर 60 डेज। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने फेसबुक लाइट का अगर आप एक बार नेम अगर आप इधर से चेंज कर लेते हैं अगेन, फिर आप दोस्तों 60 दिन के बाद ही आप अपने नेम को आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक का नेम अगर आप एक बार चेंज कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आप इधर 2 महीने के बाद अपने फेसबुक का नेम आप फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। उसके बाद सिंपल आपको नेम पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेम पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों जो भी आप नेम रखना चाहते हैं इधर आपको नेम डाल देना होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ओदर नेम्स डालने के लिए तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा जैसे कि भी आप देख सकते हैं ओदर नेम्स। दोस्तों आप इधर से एड निक नेम अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं नेम टाइप अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करके आप उस नेम को आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप जो भी नेम डालना चाहते हैं आप इधर से नेम डाल सकते हैं। जैसे कि भी आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारे इधर आपको नेम देखने को मिल जाता है, तो आप दोस्तों आप अपने हिसाब से इधर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि व्हाट्स योर निक नेम, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप अपने निक नेम डाल सकते हैं। एंड अगर आप इस पर क्लिक करते हैं शो एट टॉप ऑफ प्रोफाइल, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपका इधर टॉप प्रोफाइल पर आपका इधर यही नेम दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों ओदर नेम्स डालने के लिए तो आप इधर से डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद दोस्तों जो भी आपका नेम होगा इधर आपको ऊपर सर में शो करने को देखने को मिल जाता है। अब सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद दोस्तों जो भी आप नेम रखना चाहते हैं इधर आपको वो नेम डाल देना होगा। तो जैसे कि दोस्तों मैं चाहता हूँ दूसरा कोई नेम डालने के लिए, तो सिंपल मैं इधर आपको दिखाने के लिए मैं इधर से कोई दूसरा नेम इधर डाल देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो नेम था वो कुछ इस तरह का था जैसे कि अनीश कुमार। एंड दोस्तों जैसे कि भी आप देख सकते हैं मैं चाहता हूँ इधर शर्मा डालने के लिए, तो सिंपल मैं इधर डाल दिया जैसे कि अनीश कुमार शर्मा। सो जो भी दोस्तों आप नेम डालना चाहते हैं इधर आपको अपने नेम डाल देना होगा। एंड उसके बाद सिंपल आपको रिव्यू चेंज इस पर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको देखने को मिलता है टू सेव दिस सेटिंग्स प्लीज इंटर योर फेसबुक
पासवर्ड। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल देना होगा। जो भी दोस्तों आपका पासवर्ड है आपको इधर अपना पासवर्ड डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको सेव चेंजेस इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो नेम है इधर आपको शो करने को देखने को मिल जाता है, जैसे कि प्रोफाइल नेम। अब दोस्तों जो आपका न्यू नेम है वो इधर आपको शो करने को देखने को मिल जाता है। अब सिंपल दोस्तों आपको इधर से आ जाना होगा बैक। बैक आने के बाद दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैं इधर अपना फेसबुक लाइट एप्लीकेशन को कर लिया ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं जैसे ही मैं इधर थ्री डॉट पर क्लिक करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा नेम था वो चेंज हो चुका है। सो दोस्तों कुछ ये था प्रोसेस जिसके जरिए दोस्तों आप अपने फेसबुक लाइट का नेम चेंज कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी से नेक्स्ट वीडियो में।